अंधेरों में भी उजाला कर देती है बेटियां। अरे अंधेरों में भी उजाला कर देती है बेटियां, हो अगर आंखों में आंसू तो गले लगकर उन्हें पोंछ देती है बेटियां। मैं देखना चाहता हूं कि बेटियों के प्रति आपका कितना उत्साह है कि अंधेरों में भी, अरे अंधेरों में भी उजाला कर देती है बेटियां, हो अगर आंखों में आंसू तो गले लगकर उन्हें पोंछ देती है बेटियां। और जो समझते थे पैर की जूती होती है लड़की, अरे जो समझते थे पैर की जूती होती है लड़की, आजकल तो पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगी है बेटियां। के बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की, अरे बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की, तो आईएएस, इस पंक्ति को दोबारा दोहराता हूं कि बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की, तो आईएएस टॉपर बनकर टीना डाबी जैसी देश का गौरव बन जाती है बेटियां। देश छोड़ो विदेशों में भी साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपक कर्माकर जैसी योद्धा पदक जीत कर तिरंगे को ऊंचा कर देती है बेटियां। तो कहीं जिले की डीएम बनती तो कभी प्रदेश की सीएम बनती। हमारे देश की बेटियां, उस घर का आंगन सूना लगता जिस घर में ना हो बेटियां। अरे उस घर का आंगन सूना लगता जिस घर में ना हो बेटियां, और आंखें नम हो जाती हैं जब टोली में जाती बेटियां। एक छोटी सी कविता देता हूं, हिंदी का छात्र रहा हूं। मैंने एक पंक्ति पढ़ी संजय भाई कि ढोल गंवार पशुसुत्र नारी, ये हैं ताड़न के अधिकारी। मैं एक दिन अपनी छोटी सी बात बताऊंगा। एक दिन मैं मुखर्जी नगर में रहा करता था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने रूम का जैसे दरवाजा खोला तो वहां पर एक अखबार की कटिंग पड़ी हुई थी। उस अखबार की कटिंग पर लिखा हुआ था कि हमारे देश की संस्कृति की परिचायक हिंदी और बिंदी है, और ये संस्कृति की परिचायक, ये संस्कृति हमारे देश की जो बाहर विदेशों में अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहचान हमारी संस्कृति की वजह से है। तभी एक लिख जाते हैं कि हिंदी और बिंदी, यानी कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा हुई, लेकिन बिंदी कौन है? अरे बिंदी में नारी शक्ति है, लेकिन इस नारी शक्ति के प्रति जिस व्यक्ति ने ये पंक्तियां लिखी हैं, उस व्यक्ति ने समस्त नारी जगत का अपमान किया है। अरे वर्ग विशेष का अपमान किया है, उसने उस पशु का अपमान किया है जो दिन रात खेत में मेहनत करके उसे परिवार को पालता है। तभी कुछ भाव निकल कर आते हैं, उन भावों से सीधा सीधा जोड़कर चलता हूं और आपका प्यार चाहता हूं। मेरा आना सार्थक हो जाएगा, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा यदि आप मेरा साथ दोगे। कविता में बहुत आनंद आएगा। उस व्यक्ति का नाम रखा मैंने मूरखदास, क्योंकि ऐसा आदमी विद्वान नहीं हो सकता। ऐसा आदमी जो नारी का अपमान करे वो केवल मूरख है। मूरख दास अपने उसका नाम मैंने रखा। तो क्या कहता हूं देखो, कि जो भी कह गए मूरख दास, यारो सब कुछ है बकवास। भाई संजय भाई माइक ले ले मेरे पास में आकर, इस कविता पर टेक आप ही दे सकते हो। कि जो भी कह गए मूरख दास, यारो सब कुछ है बकवास, और आज इकट्ठा हो जाओ, अरे आज इकट्ठा हो जाओ और करवा दो उनको एहसास कि जो भी कह गए मूरख दास, यारो सब कुछ है बकवास। बहुत बढ़िया। देखो हमारी प्रतिभाओं का दमन कैसे कैसे किया गया। एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांग लिया गया कि तूने विद्या चोरी की है। कहते हैं कि भगवान की नजरों में जाति नहीं होती, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में तो स्वयं भगवान मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि तू इसके गले में माला मत डाल, क्योंकि ये सूत पुत्र है। पंक्तियों से सीधा सीधा जोड़ता हूं। और रही हमारी देशभक्ति की बात, हमारी खून की रॉयल्टी की बात, तो हम उधम सिंह के वंशज हैं। अरे हम उधम सिंह के वंशज हैं। 21 साल बाद लंदन में जाकर पदरा ले जानते हैं। सीधी सीधी पंक्तियों से बताता हूं कि मांग अंगूठा, अरे मांग अंगूठा एकलव्य कर रखी एक अंगारी थी। अरे मांग अंगूठा एकलव्य कर रखी एक अंगारी थी, एक छलिया ने खेल बिगाड़ा जब योद्धा करण की बारी थी। अरे मांग अंगूठा एकलव्य कर रखी एक अंगारी थी, एक छलिया ने खेल बिगाड़ा जब योद्धा करण की बारी थी। अंग्रेजी जनरल डायर को भी हमने गोली मारी थी। बहुत अच्छे दिनेश भाई। अरे अंग्रेजी जनरल डायर को भी हमने गोली मारी थी, और जिसने जन्मा तुझको मूर्ख वो भी तो एक नारी थी। और पढ़ लो लिख लो आगे पढ़ लो, बाबा साहब किसी राजा के बेटे नहीं थे। बाबा साहब ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे संविधान जो लिखा, केवल शिक्षा की बदौलत लिखा। तो आपको नसीहत और आपको सलाह देता हूं कि पढ़ लो लिख लो आगे पढ़ लो, रच दो तुम भी नया इतिहास, जो भी कह गए मूरख दास, यारो सब कुछ है। कुछ है बकवास। देखो कैसे कैसे शोषण किया के साल हजारों बर्तन मांजे, कपड़े तक भी धोए हैं, रहकर भूखा नंगा हमने खेत भी उनके पोए हैं, टट्टी तक भी
साफ करी तब कोड़े पर हम सोए हैं, सजा मिलती जब बिना जुर्म के। ये इतने नालायक इतने नाखंदे थे, हमारे साथ बिना गलती के शोषण भी क्या करते थे। कि सजा मिलती जब बिना जुर्म के, तब खून के आंसू रोए हैं। परंतु सम्मानित साथियों, ये समय बड़ा परिवर्तनशील है। ये समय, अरे जिस अंग्रेजी वायसराय का 80 देशों पर आधिपत्य था, अरे जिस अंग्रेजी वायसराय का नाम का कभी सूरज नहीं छिपा, उसके कपड़े आज हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनने के सम्मानित साथियों, सुना बड़ा परिवर्तन। क्या बात है, क्या बात है। अरे के साल हजारों बर्तन मांजे कपड़े तक भी धोए हैं, रहकर भूखा नंगा हमने खेत भी उनके बोए हैं। हट्टी तक भी साफ करी तब कूड़े पर हम सोए हैं, सजा मिलती जब बिना जुर्म के, तब खून के आंसू रोए हैं। परंतु आज तो हम हैं एसपी कलेक्टर, अरे आज तो हम एसपी बन गए, डीएम बन गए, सीएम बन गए, यहां तक कि राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति कैसे, कि देखो ये दलित बेचारा क्यों दुनिया से आखिर न्यारा क्यों, और कहने को तो राष्ट्रपति है पर घोड़ी से इसे उतार। अरे वाह, बस तालियां हो जाए इस बात पे, बहुत बढ़िया। अरे आज तो हम हैं एसपी कलेक्टर, नहीं सहेंगे कभी उपहास, और जो भी कह गए मूर्खदास यार बकवास। के सदी 18 अप्रैल 14 योद्धा जब आया था, भीम नाम था उस ज्ञानी का, सब खुशियां सारी लाया था। अरे सदी 18 अप्रैल 14 योद्धा जब आया था, भीम नाम था उस ज्ञानी का, सब खुशियां सारी लाया था। भारत भाग्य विधाता बनकर हम सबको आजाद कराया था, कमर तोड़ दी मनुवाद की पुत्र का पाठ पढ़ाया था। अरे कमर तोड़ दी मनुवाद की पुत्र का पाठ पढ़ाया था, और तेरी श्रद्धा पर धरा झूमती, अरे तेरी श्रद्धा पर धरा झूमती, नमन कर रहा ये आकाश, जो भी कह गई मूर्ख दास यार सब कुछ है बकवास। के बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, इन मनुवादियों को भी यम बुद्ध का पाठ पढ़ाएंगे। और छल से मारा बाली को, रामायण तो देखी होगी ना, बाली को पेड़ की आठवीं मारा था ना। एक दिन तो सुग्रीव की पिटाई इसलिए हो गई कि तुम दोनों भाइयों की सकल पहचान नहीं आ रही, और बहुत से अंधभक्त कहते हैं कि कण कण में बसे हुए हैं। सीधे सीधे तोड़ रहा हूं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, इन मनुवादियों को भी यमन बुद्ध का पाठ पढ़ाएंगे। छल से मारा बाली को, खुद को भगवान बताते हो, करके हत्या समुख ऋषि की हमको ज्ञान सिखाते हो। अरे हम मूल निवासी इसी देश के, हम मूल निवासी इसी देश के, गुरु हमारे हैं रविदास, जो भी कह गए मूर्ख दास यार सब कुछ है बकवास। चार पंक्ति देकर अपना स्थान लेता हूं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। ये जो जो दिल्ली के अंदर जो सात कोठियों वाला घर है, सात रेत, वो मैंने बता दिया, उस जगह क्या बोलते हैं, रेस कोर्स, सात रेस कोर्स। के बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। अरे एक बार इकट्ठा होकर तो देखो, अरे 85% में हो, अरे एक बार इकट्ठा होकर तो देखो, वो दिन दूर नहीं जब सात रेस कोर्स कब चाहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।